हमारे साथ हैं गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर विजय रूपाणी जी, उनसे हम बात करेंगे। जयपुर वो पधारे हैं, प्रायोजन है आज आप जयपुर पधारे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तभी ये कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इसके आधार पर रोजी रोटी सभी को प्राप्त हो। और पूरे देश पिछले कई साल से इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड रहे हैं, तो उसमें हम आगे बढ़े, तो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, पूरे देश के लोग भी यहाँ आते हैं। इस बार 2015 जनवरी में 11 तारीख से हम ये शुभारंभ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं और 500 से ज़्यादा फॉर्च्यून कंपनी इसमें भाग लेंगी। करीबन विश्व के बहुत सारे देशों से भी लोग यहाँ, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है, सेमिनार है, जो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो ये सब देखने के लिए, उसमें इन्वॉल्व होने के लिए सभी ग्रुपों को हमने बुलाया है। तो आज राजस्थान के इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे उन लोगों को मिलने के लिए हम यहाँ आए। किस तरह की संभावनाएं आप तलाशते हैं राजस्थान में? हम लोग राजस्थान के इंडस्ट्रियलिस्ट को आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि इतना बड़ा वैश्विक स्तर पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो पूरे दुनिया भर के उद्योग जगत के लोग आने वाले हैं, तो आप भी आइए, हमें भी देखना मिलेगा, सीखना मिलेगा, हमारा भी जो कुछ अगर आने वाला डेवलपमेंट है तो उसमें ये उपयोगी रहेगा। ये थे रूपाणी साहब, जिनका कहना है कि एक एक मिलकर अनेक बनेंगे और देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कोशिश की जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान भी उसमें अपनी सहभागिता निभाने जा रहा है। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, ईटीवी न्यूज, जयपुर।